फोक्स जेनिफर, ये वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। यस, आज का जो एपिसोड है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और मस्त एपिसोड है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मस्त मस्त शोल्डर बैग्स। यस, मेरे पास इंटायर कलेक्शन ऑफ शोल्डर बैग दिस सीजन जो है मैं आपको सब दिखाने वाली हूँ। मोस्टली फैब्रिक है सारे मेरे जो शोल्डर बैग्स हैं, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मोस्टली मैं ट्रैवल करती रहती हूँ, तो मैं छोटे से बड़े यूटिलिटी जो है इसकी मैं आपको बताती रहती हूँ, हर चीज़ की, हर बैग की यूटिलिटी, कि मेरे पास इतने बैग्स क्यों हैं और मैं क्या करती रहती हूँ ये बैग्स के। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते ही एपिसोड। आज जो मैंने पहन रखा है बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक शर्ट है, जो कि ब्लैक वाइट एंड रेड कलर का है। नीचे जो है मैंने पैंट पहन रखी है ब्लैक कलर की, और हाथ में जो है मैंने सिर्फ एक सिंपल रिंग पहनी है, हेवन पहना है, नो कान के आज, क्योंकि थोड़ा सिंपल रहने का मन कर रहा है, क्योंकि आज मैं दिखा रही हूँ बैग्स जो कि है शोल्डर बैग। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये बैग जो है ये पहले पैराशूट बैग से। नाउ दिस बैग इज़ वेरी यूजफुल फॉर मी। सबसे पहले तो ये दोनों शोल्डर पे चला जाता है, तो आपका भार वैसे ही कम हो जाता है, और ये जो सुकड़ू बैग है ये कहीं पर भी आपको एक्स्ट्रा लगेज के अंदर आप उसको डाल सकते हो और कभी भी यूज़ कर सकते हो। इमरजेंसी बैग है, बहुत अच्छा लगता है, फ्लाइट्स वगैरह में आप पिलो डाल लो इसमें, सब कुछ बहुत ईजीली आप इसको ट्रैवल कर सकते हो, प्लस का कलर भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट बैग जो है, अगेन मेरे पास ये छोटू छोटू से बैग है। अभी लोगों को लगता है कि ये बच्चे थोड़ी ना जो इतने छोटे छोटे से बैग कैरी करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है मेरे लिए, मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ। क्यों? जब मुझे ट्रैवल करते समय अब्रॉड में जो है आपको पासपोर्ट हमेशा अपने पास रखना पड़ता है, कैरी करना पड़ता है, तो आप बड़े बड़े बैग्स तो लेके जाते ही हो, लेकिन उस बैग को आप हमेशा हर जगह कैरी नहीं कर सकते, तो ये वाला जो बैग्स है ना, ये लाइफ सेवर्स होते, तब मेरे ये काम आता है। इसको मैं यूज़ करती हूँ अपने पासपोर्ट, करेंसी या हर चीज़ रखने के लिए, और इसको आप ना बहुत ईजीली आगे पुट कर सकते हो लाइक दिस, या बैक साइड पुट कर सकते हो, क्योंकि जहाँ जब मैं अब्रॉड ट्रैवल करती हूँ मोस्टली मेरा एक साइड पे इसी तरह से हैंग होता रहता है और आगे की तरफ, और फटाफट आपको सामान इसमें मिल जाता है, जल्दी जल्दी आप निकाल के दे सकते हो, पासपोर्ट दे दिया, करेंसी दे दिया, और इजीली आप इसको ट्रैवल कर सकते हो। बहुत फंकी भी है, और ये फैब्रिक होने के कारण आप इसको रीयूज़ कर सकते हो, वॉश कर सकते हो, और बहुत ईजीली हैंडल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये इस तरीके का है। अब मैं आपको यूटिलिटी बता दी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी मेरे पास है कौन कौन से। तो इस तरीके का है ये, और बहुत ही अच्छा लगता है। अगेन ये बैग आजकल मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट बना हुआ है। मोस्टली आप मुझे, अगर आपने मेरे टर्की व्लॉग्स देखोगे तो ये मैंने उसमें लिया है, एक टर्किश बैग है, वो लोगों का थोड़ा थोड़ा कारपेट टाइप का मटेरियल होता है, जो बहुत ही लाइक कारपेट, वेलवेट कारपेट यू कैन से, बहुत स्मूथ होता है, बहुत अच्छा होता है, और इस तरीके का बैक साइड भी इसका कितना खूबसूरत, आप देखो बहुत ब्यूटीफुल है। तो आपने मेरे टर्की व्लॉग्स देखोगे तो आपको ये दिखेगा, और इसमें काफ़ी स्पेस भी होती है। मैं आपको एक बैग खोल कर दिखा देती हूँ कितनी स्पेस है इसमें, बहुत स्पेशियस होता है। अगेन मैं इसको ऐसे कैरी करती हूँ और इजीली इसको यहाँ से दे सकती हूँ। बहुत मोबाइल फोन्स, जितने दो तीन मोबाइल फोन, कैमरा फोन, आपका हर चीज इसमें आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है, और लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो है, अगेन ये वाला है, ये भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये भी मैंने टर्की से ही लिया था। इस तरीके से स्पेस है इसमें, और ये है पीछे बैक, और अगेन इट लुक्स वेरी नाइस। फिर उसके बाद आते हैं मेरे डेनिम बैग, शोल्डर बैग्स के ऊपर, ये बहुत अच्छे लगते हैं। अगेन इसमें जो है आप इसको चाहिए ऐसे पकड़ सकते हो, बैक साइड भी इसका जो है इस तरीके के शोल्डर बैग्स है, स्पेशियस भी है, अगेन डेनिम का है, और आगे पीछे जिप है, आप उसको फोल्ड करके कहीं पर भी रख सकते हो। और ये एक और मेरे पास डेनिम का बैग है इस तरह, ये थोड़ा फंकी टाइप का है, काफ़ी यहाँ पर मोटे मोटे, ये मैंने कनाडा से लिया था, और बैक साइड आप इसको यू नो पहन सकते हो इस तरीके से, और लुक्स नाइस। आप चाहे तो ये रस्सी निकाल के छोटी भी डाल सकते हो, स्पेशियस काफ़ी है, बहुत अच्छा लगता है दिखने में। नेक्स्ट है ये, ये मेरे एथनिक बैग्स है, जब मैं थोड़ा बाली चले गए, या यू नो आप कल्चरल कोई ऐसे चीज़ों में राजस्थान चले गए उस वक्त, तब वहाँ पर ये पीछे से आपको कैरी करने का मन नहीं है हैवी हैवी बैग्स, तो मैं ये वाले बैग्स यूज़ कर लूँ, जितने इतनी सारी ब्यूटीफुल यहाँ एम्ब्रॉयडरी होती है, और वहाँ पर कैरी करना है बहुत आसान होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है ये वाली बैग, अगेन ये उसी पर्पज़ के लिए है, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब कलरफुल लहंगे पहनती हूँ, और मुझे वैसा बैग कैरी करने का मन नहीं करता, तो मैं ये वाले शोल्डर बैग कैरी करती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत स्पेशियस भी होते हैं। नेक्स्ट है ये है अफगानी बैग, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा विंटेज बैग है यार, ये बहुत ही ब्यूटीफुल बैग है, ये देखो, और इसमें इस तरीके से ये लगा हुआ है, और ये विंटेज बैग होने के कारण ना आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, और लुक वाइज मतलब फोटोग्राफी वगैरह में बहुत अच्छा लगता है। बैक साइड इसका इस तरह से आप पीछे से हैंग कर सकते हो, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, और लुक देखिए सर कितना ज़्यादा खूबसूरत है, पूरा का पूरा विंटेज, यहाँ टैसल्स है, ये सब चीज़ें, बहुत फंकी टाइप का है, और लुक भी बहुत अच्छा लगता है ये।
ओके नेक्स्ट बैग है ये इकर प्रिंट बैग, अगेन ये भी शोल्डर बैग है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है अगेन चेक, चेक्स बैग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको हर चीज़ पे आप कैरी कर सकते हो, चाहे डेनिम पे, स्कर्ट्स पे, ड्रेसेस पे, फ्रॉक्स पे, बहुत ही अच्छा कूल लगता है यू नो, ये देख बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है अगेन ये वाला, ये मैंने लिया था मालदीव्स में, आई थिंक ये मैंने मालदीव्स में लिया था, अगेन ये बहुत ज़्यादा फंकी है इस तरीके से, और काफ़ी अच्छा पैच वर्क है इस पर भी, ये देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत बैग है, आई जस्ट लव दिस बैग, इट लुक्स सो नाइस। नेक्स्ट है ये, ओ माय गॉड, नाउ दिस इज़ माय करंट फेवरेट आफ्टर द टर्किश वन, ये वाला बैग है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ना, इसके पूरे के पूरे जो है रियल बीड वर्क है, पूरा बीड है ये, ये कोई पेंट या प्रिंट नहीं है, पूरा का पूरा जो है बीड वर्क है, यहाँ से इसका ओपनिंग है, और इसके पॉकेट्स में भी देखिए पूरा का पूरा बीड वर्क किया हुआ है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, और ये देखिए बहुत स्पेशियस है और बहुत अच्छा लगता है। इसको मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, वाइट थोड़ा है ना तो बहुत ज़्यादा गंदा होने का मुझे डर लगता है, बट आप इसको वॉश कर सकते हो फिर बिना इसके, तो मेन जो वो चला है, सी लुक सो नाइस, बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो है अगेन ये वाला प्रिंट, अगेन दिस इज़ माय फेवरेट, मेरे सारे फेवरेट्स हैं, तो ये बहुत ही हल्का फुल्का है, बहुत अच्छा प्रिंट है इस पर, और बैक साइड अगेन ऐसा है, और लुक वाइज इस तरीके से इट लुक्स नाइस। नेक्स्ट है ये, अच्छा ये सारे बैग्स आपको गोवा में मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा हैवी हैवी सामान होता है तो उसमें ठूस लेती हूँ, ये आपको मिल जाता है इस तरीके के बैग्स, और बहुत ही सस्ते में, ये वाले बैग्स आपको बहुत चीप में मिल जाएंगे, और यू नो यू कैन कैरी कहीं पर भी इसको, ये देखिए शोल्डर बैग्स हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, ईजी टू कैरी। नाउ नेक्स्ट जो बैग्स हैं मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट बैग्स हैं, और आपको देखने ही मज़ा आएगा, और जो है इनको मैं हमेशा ट्रैवल के समय लेके जाती हूँ, और ये देखिए ये बैग बहुत ही ब्यूटीफुल बैग है, और मुझे ना ऐसे स्टिकर लगे हुए बैग ट्रैवलिंग पे ना बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये देखिए ये कैनवस का बैग है, और इस तरीके से ना हैवी है, और इस तरीके से काफ़ी इस पर स्टिकर्स लगे हुए हैं, और मुझे अच्छा लगता है ये ट्रैवलिंग करते समय, तो आप इसको शोल्डर पर पहन सकते हैं। इसको अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है ज़्यादा, और यूज़ ही नहीं किया आई थिंक, बिकॉज ये हैवी था तो आजू बाजू कहीं पर लेके जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो बैग है ये वाला बैग, ओ माई गॉड आई जस्ट लव दिस बैग, द कलर इज़ माई फेवरेट, खाकी कलर जो इसका कलर है ब्राउनिश के साथ, एंड अगेन इस पर सारे स्टिकर्स लगे हुए आप देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टिकर्स लगे हुए, यहाँ पर आप पानी के बॉटल रख सकते हो, बहुत ज़्यादा स्पेस है, लैपटॉप वैपटॉप सब कुछ आप लेके जा सकते हो, एंड इट लुक्स ऑल्सो वेरी नाइस, ये देखिए बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत ब्यूटीफुल। तो ये थे मेरे कुछ फेवरेट फैब्रिक बैग्स, जो शोल्डर बैग्स थे वो, लेकिन मैं आपको ना कुछ एक्स्ट्रा बोनस बैग्स भी दिखाने वाली हूँ, जो कि अगेन मेरे फेवरेट है, तो इसमें कुछ लेदर वाले भी है, वही शोल्डर बैग्स ही है, तो कुछ लेदर वाले भी मेरे को इसी एपिसोड में मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये वाला जो बैग है अगेन ये पैराशूट मटेरियल का है, बहुत ही ज़्यादा हल्का है, इसको फिलहाल मैं यूज़ करती हूँ एक दो दिन के लिए, अगर मुझे कहीं जाना होता है, जैसे कि अगर हम जंगल रिसोर्ट जा रहे हैं अगर फिलहाल में गए, तो यही बैग लेके गई थी, बहुत सारे जिप होने के कारण बहुत सारा सामान आ जाता है, तो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, और मैं इसको शोल्डर कैरी करती हूँ, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो है अगेन ये है लेदर का, और ये भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, लेदर के बैग मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं इसको यूज़ करती हूँ अगर मुझे किसी फॉर्मल इवेंट में जाना है, मुझे बैग कैरी करने का, पर्स हैवी भी कैरी करने का मन नहीं कर रहा, तो मैं ये वाला कैरी कर लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए इसमें टैन और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन जो है ना मुझे बहुत पसंद है, अगेन बहुत स्पेशियस है, यहाँ भी जगह है इसके, प्लस यू नो, और इसका ओपनिंग जो है आप देखोगे, इसका ओपनिंग बैक साइड से है, ये है इसका ओपनिंग इस तरीके से बैक साइड से, और इसका क्लोजिंग, और ये फ्रंट है इसका, यहाँ पर भी जिप है आप रख सकते हो, तो ये इट लुक्स नाइस यू नो। नेक्स्ट जो है अगेन उसी टाइप का ये बैग है, तो आप बोलोगे अरे ये तो पर्स है, ये शोल्डर बैग तो नहीं लग रहा है, बट नो फ्रेंड्स दिस इज ऑल्सो शोल्डर बैग। सबसे पहले तो देखिए टैन कलर में बहुत ही स्मार्ट लुक लगता है, अब देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये, और इसका स्पेस देखो कितना ज़्यादा है, बहुत अच्छा स्पेस है इसका, बहुत गुड लुकिंग बैग है, और ये है इसका, ये किसी ब्रांड का है, अब आप ब्रांड खुद ही देख लो अगर आपको चाहिए तो। और बैक साइड में देखिए इसका जो ये है, ये देखिए
इसको आप इसको ना आप 5-in-1 कैरी कर सकते हो, आप इसको क्रॉस बैग लगा सकते हो, क्रॉस साइड लगा सकते हो, एक साइड में लगा सकते हो, बोथ वेज में शोल्डर में पहन सकते हो या सिर्फ हैंड कैरी कर सकते हो, और या फिर आप इस तरह से यहाँ पर यू नो आप हर जगह इसको कैरी कर सकते हो। प्लस कलर इज सो ब्यूटिफुल एंड स्पेशियस, तो बहुत मुझे मजा आता है इसको कैरी करने। एक दो बार मैंने इसको यूज किया हुआ है बिकॉज आई एम नॉट अ लेदर फैन, तो बट आई यूज इट व्हेन जैसे सोफिस्टिकेटेड मीटिंग में जाना हो या कुछ, इट लुक्स नाइस एंड देन बहुत बोर हो गए हैवी पकड़ के, अब टांग लो पहले, दिस इज द वन, तो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट। ठीक है, नेक्स्ट जो है पार्टी बैग है ये वाली मेरी। ओके, अब मैं इसको पार्टी बैग क्यों बोलती हूँ क्योंकि इसमें जो ना पूरा शाइन है और बहुत सारी, ये देखिए पूरा है ना इस तरह से शाइन 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 है। अगर ये देखिए बैग से अगेन यू कैन वेयर इट लाइक दिस, इसको भी मैंने यूज़ नहीं किया लेकिन मैं इसको पार्टी बैग इसलिए बोलती हूँ कि अगर मुझे पार्टी में बड़ी बड़ी पर्सेस लेके नहीं जाना है और मुझे इंजॉय करना है, डांस करना है, तो ये मतलब अब्रॉड की बात करो आप, इसमें बहुत सारा सामान, आपका कैमरा, मोबाइल, हर चीज़ डाल लो, पासपोर्ट एंड एवरीथिंग यू पुट एंड, और इसका ब्लिंक वगैरह भी बहुत अच्छा शाइनी है, तो आप इसको पार्टी में भी ले। अभी तक मैं इसको लेके नहीं गई हूँ बट मे बी इन फ्यूचर। ओके, लास्ट एपिसोड का, इस एपिसोड का लास्ट बैग जो है वो है ये वाला। आजकल ये बैग जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इसके आपको, मेरे पास इसके 2-3 वर्जन्स है, लाइक एक ये शोल्डर बैग है, एक पर्स है और एक साइड बैग भी है इसमें। इसके ना कलर चेंज होते रहते हैं, मतलब अगर आपको थोड़े ब्लिंक में रखोगे तो अलग सा कलर आएगा, थोड़ा और लाइट आएगा तो अलग सा कलर आएगा। ये 7 कलर चेंज करता है और बहुत ही खूबसूरत है, और मुझे थोड़ा सा कलर चेंजिंग वाले इजी अच्छे लगते हैं। ये देखिए फुल मरूनिश हो गया, फुल रेडिश हो गया, और इस तरीके से लाइट से ये कलर चेंज होता रहता है, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बैग है, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्पेशियस बैग है। ओ देखिए इसमें ये भी निकल गया, ये देखिए इसके साथ ये पाउच भी है, और ये पाउच भी वैसा ही है कलर चेंजिंग वाला, और ये भी बहुत अच्छा है, तो मैंने इसके साथ ही रखा हुआ है, और ये इतना स्पेस है इसमें तो। और इसका बैक साइड जो है अगेन फुल ऐसा ही है, पूरा शाइनी शाइनी काइंड ऑफ थिंग एंड यू कैन वे। और जब भी मैं इसको कैरी करती हूँ ना, जब भी मैं इसको लेके जाती हूँ कहीं पर, एवरीबडी आस्क मी अबाउट दिस बैग बिकॉज इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। ऐसा ढिंचक शाइनी नहीं है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड नाइस सा शाइनी है ना, थोड़ा अगर आपकी बोरिंग लाइफ में ब्लिंक लाना है तो यू कैन यूज दिस बैग। सो आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, मेरे सारा बैग कलेक्शन भी पसंद आया होगा। तो दिस इज जेनिफर साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मोर एंड मोर बैग्स एंड मोर वीडियोज। बाय बाय फ्रेंड्स एंड फैमिली, डू लव लाइक एंड यस सब्सक्राइब और शेयर कीजिए यार, इट्स फ्री फ्री फ्री। ओके, चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।